खुदा हमको बचा और कौनों में से हमको प्राण कर, ताकि हम तेरे पाक नाम का शुक्र अदा करें और तेरी हमद सना पर फख्र अदा करें। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा ने अजीज मोमिनीन साल के दौरान चौथे इतवार की लिटूरिया में शामिल है और आज की तलावतों में सुनेंगे कि खुदावंद जो वादे करता है वो अजीम वादे हैं और उन वादों में वो हम इंसानों को भी शामिल करते हैं। आज की पहली तलावत में सुनेंगे कि खुदा अपने बंदा मूसा को फरमाता है कि मैं तेरी कौम में से ही तेरे आने के बाद लीडर चुनूंगा और उसके बाद हम आज की दूसरी तलावत में सुनेंगे कि खुदा अपने बंदा पौलुस से फरमाता है कि जो बेब्याह है वो खुदा की फिक्र में रहता है, ब्याह दुनिया की फिक्र में। और इसी तरह जब हमें खुदा बुलाता है तो हम दुनियावी फिक्रों के साथ साथ खुदा की भी फिक्र करें कि वो हमें बड़ी रहमतों में याद करता है और हम भी उसकी सारी रहमतों की शुक्रगुजारी करें। आज के तीरे मुकदस में सुनेंगे कि खुदा यीशु मसीह बाइख्तियार तालीम देते हैं और उस तालीम को हम भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और उसकी तालीम से बहुत से मुइज़ात होते हैं और अगर हम भी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुदा के घर में हमेशा हर तरीके से आकर हर तरीके से फजल पाए। मजीद और पाक कलाम की रोशनी में सुने और इनके इबादतखाने में एक शख्स था जिसमें नापाक रूह थी, जिसने चिल्लाकर कहा, अरे यीशु नासरी तुझे हमसे क्या काम, क्या तू हमें हलाक कर दिया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, कदूस खुदा। यीशु ने उसे डांटा और कहा कि चुप रह और इसमें से निकल जा। तब नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई और वह सब हैरान होकर आपस में ये कहते हुए बहस करने लगे कि ये क्या है, एक नई तालीम वा इख्तियार। वह नापाक रूह को भी हुक्म देता है और वो उसकी मानती है और उसकी शोहरत जलील के सारे इलाके में फैल गए। यह तक आज के जिले मुकदस जिले मुकदस के सिला से हम सब के गुनाह माफ किए जाए। आज हम
सात ग्राम चौथे पाद की बातें शरीफ में है और आज की तलाव में हमने देखा कि परिसंसी कपड़े नहों में जैसे ही दाखिल होते हैं तो फौरन जाकर इबादतखाने में तारीफ देना शुरू कर देते हैं। और पिछले पाद की तलाव अगर आपकी याद हो तो यीशु मसीह अपनी इलाहिया जिंदगी का आगाज करते हैं और जरीर से खुदा की मुनादी खुदा की बादशाहत के बारे में पैगाम जो है वो देना लोगों को शुरू करते हैं। और इस तरीके से आप यीशु मसीह जरीर से होते हुए कब्र रूम में आ चुके हैं और ये इलाका जो है यहाँ पर जैसे दाखिल होते हैं तो यहाँ पर भी सबक बनी है और सबक के दिन वो इमारत खाने में आकर खुदा की तालीम लोगों को देना शुरू करते हैं। जो वह खुदा का है वो खुदा को देते हैं, जो वह खुदा का है वो खुदा को देते हैं और जो वह दुनिया का है उसको भी पूरे दिल चांस से देते हैं। असली क्या है, हम क्या करते हैं, जरा खुदा का वक्त के वो भी दुनियादारी के कामों में घुसा, दुनियादारी नहीं वो भी इसी तरीके से नहीं करता, दुनियादारी जो टाइम है कोई सही तरीके ना यूज करते, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो इसके देखें कि दुनिया में कहते हैं कि गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, गरीब पैदा होना कोई बड़ी गल है, लेकिन गरीब अगर तुम मरते हो फिर घर अपना कसूर नहीं, गरीब अगर आप मरते हैं ना करे तो उसमें आप अपना कसूर है कि आपने वक्त सही इस्तेमाल ही नहीं किया, वक्त सही से। तो यहूदी कौम से बहुत बड़ा सबक जो हमें सीखने को मिलता है और आज के चिर कदस में खुदा यीशु मसीह भी हमें यही तालीम दे रहे हैं कि जो वक्त खुदा का है वो खुदा को दो और जो वक्त दुनियादारी का है वो दुनियादारी के लिए सब और पूरे दिल जान से। और इसीलिए खुदावन खुदा ने कहा था कि खुदावन अपने खुदा को अपने सारे दिल अपनी सारी जान अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कि खुदा को जो वक्त देना है खुदा के साथ जो आपकी अकीदत है ईमान है उसपे खास बांधना चाहिए, खास होनी चाहिए। यहां पर हम कहते हैं गिरजा घर में आए हैं तो ये वक्त खुदा ने महसूस कर ये खुदा को दे दें, दुनियावी क्या सोच हमारे जेब में भी नहीं आनी चाहिए, अभी हमारे जेब में खुदा का कलाम ये जो हमने सुना है ये इसको बर्दाश्त करना चाहिए, हमारे जहनों में हमारे दिलों में हमारी सोचों में खुदा के ये बात कलाम बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि ये वक्त हमने इसी खुदा दे और यकीन माने यकीन करें कि अगर खुदा हमें ये वक्त दिया है तो खुदा इस वक्त के बदले में जो हमने खुदा को दिया है इसके बदले में हमें पता नहीं जिंदगी में क्या क्या बरकत आता है। अगर तू वाकई सच्चे दिल से जाता हूं यहां पर बैठकर खुदा के घर में आए हैं, खुदा के लिए आए हैं, खुदा के हम जो साइज करने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए, खुदा का पाकलाम सुनने के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए अगर हम यहां पर आए हैं तो यकीन खुदा हमारी जिंदगी को खुशियों से उभर पा सकते हैं। Thank you.